अवध के क्षेत्रीय महामंत्री त्र्यंबकम तिवारी से मामूली कहासुनी में कोतवाली देहात में तैनात दरोगा अनुज गुप्ता और घीसूराम सरोज ने गाली गलौज करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की की। मामला और तीखा तब हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नेताजी को दरोगा साहब गाली देते हुए खींचकर कोतवाली ले गए। बीजेपी नेता के साथ हुए जबरदस्त सलूकी की बात जंगल में लगी आग की तरह जिले के सभी बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को फैल गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही भाजपा जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण तिवारी भी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। वही भाजपा कार्यकर्ताओं ने देहात कोतवाली के दोनों दरोगाओं को निलंबित कर दिया। मामला प्रकाश में आया है जिसमें कुछ राजनीतिक दल के व्यक्तियों और एक पुलिस कर्मचारी के बीच कहासुनी का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित प्रकरण में मेरे द्वारा एडिशनल एसपी को जांच सौंपी गई है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी मैं थोड़े समय पहले कार्यालय पर बैठा था, हमारे क्षेत्रीय महामंत्री त्र्यंबक त्रिपाठी जी का फोन मेरे पास आया कि मैं लखनऊ से LBS कॉलेज के पास आया था कुछ व्यक्तिगत कार्य से। कोतवाली देहात के दरोगा अनुज कुमार गुप्ता रॉन्ग साइड से मोबाइल से बात करते हुए आ रहे थे और मेरे गाड़ी से टकरा गए, तो हम भी सिलो थे, वो भी सिलो थे, तो कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी गाड़ी गिर गई और मैं अपने गाड़ी से कूद करके उनके गाड़ी को उठाया। इतने में ही वो हमको गाली गलौज देने लगे, अभद्रता से पेश आने लगे। तो हमको जब सूचना मिली तो मैं कोतवाली देहात आया। अनुज कुमार गुप्ता को त्र्यंबक त्रिपाठी जी बता रहे हैं कि हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, स्वाभाविक है वो हमको पहले से जानते रहे होंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ बदतमीजी की ही। जनपद अयोध्या में नौकरी